अगर आप प्लान कर रहे हैं 2024 में कैंपिंग करने का तो आज के ये गैजेट्स आपको बेहद पसंद आएंगे। शुरुआत करते हैं अपने इस पहले टेंट के साथ, कॉलमैन कनेक्टेबल टेंट्स। कैंप में अगर आपको टेंट लगाना है तो आप इस तरीके के टेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके के ऐसे कनेक्टेबल टेंट होते हैं जिन्हें कि आपस में जोड़कर आप काफी सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ये टेंट साइज में बेहद छोटे रहेंगे जो कि आपके बैकपैक में आसानी से आ जाएंगे, लेकिन जब आप इन्हें सेटअप करते हैं तो इसमें आपको एक जिपर दे रखा होता है जिससे कि आप इसी तरीके के ढेर सारे टेंट सेटअप को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक लार्ज स्पेस क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप कैंपिंग के लिए, जिससे कि एक ही टेंट में काफी लोग भी आ जाएंगे और आपके सामान रखने के लिए भी प्रॉपर जगह निकल आती है। फ्लेक्सी टेंट्स। अगर आपको जरूरत है एक ऐसे टेंट की जो कि चारों तरफ से ओपन हो, जिसके अंदर आप कोई एक्टिविटी वगैरह प्लान कर पाए, तो टेंटपी का ये टेंट आपको काफी पसंद आएगा। इस टेंट को लगाने के लिए आपको जरूरत होती है काफी वाइड स्पेस की, जहां पर इसके पोल्स वगैरह सेटअप कर दिए जाते हैं और इसके अंदर आप काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसमें कि आपको बहुत मजा आएगा। इसके ऊपरी हिस्से में आपको अलग से वेंटिलेशन दे रखा होता है जिससे कि अगर आप टेंट के अंदर हल्की फुल्की आग जलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बरसात के मौसम में आप इस टेंट को चारों तरफ से लॉक भी कर सकते हैं जिससे कि पानी के अंदर का कोई सवाल नहीं उठता। तो ये टेंट भले ही थोड़ा सा ओपन रहता है, लेकिन जब चाहें आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जीरो ब्रेज पोर्टेबल एसी। कैंपिंग के दौरान मौसम हमेशा से एक चैलेंजिंग चीज रहा है। अगर आप गर्मी के मौसम में कैंपिंग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लगेगी, और सर्दी के मौसम में कैंपिंग पर जाते हैं तो आपको अच्छी खासी ठंडक का एहसास होगा। लेकिन अगर आप इस इशू को फिक्स करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से पोर्टेबल एसी को। ये पोर्टेबल एसी खास तौर पर कैंपिंग के लिए बनाया गया है, जिसे कि आप टेंट के अंदर भी सेटअप कर सकते हैं। इसमें अलग से आपको एक होस पाइप मिल जाएगा, और अगर आपने कार की रूफटॉप पर टेंट लगा रखा है तो ऐसी सिचुएशन में आप इस पाइप को अपने टेंट के अंदर सेटअप कर पाएंगे। और इस एसी का बैटरी बैकअप भी लाजवाब होता है, जिसके मल्टीपल बैटरी पैक्स आप अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं, जिससे कि कैंपिंग के दौरान लगातार आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो इसकी बैटरी का इस्तेमाल एक पावर बैंक के तौर पर भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप्स और मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए। ये सोलर चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और अगर आपने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं तो उसकी मदद से आप आसानी से इसे चार्ज कर सकते हैं। 01 आउटडोर एयर पंप। अगर आप ट्रिप पर एयर बेड और चेयर वगैरह साथ ले जा रहे हैं तो एक छोटा सा इन्फ्लेटर तो आपको चाहिए ही होगा। तो इस गैजेट को देखिए, ये साइज में बेहद छोटा सा इन्फ्लेटर होता है जिसका इस्तेमाल एयर बेडिंग्स वगैरह को फुलाने में किया जा सकता है। लेकिन ये एक मल्टीपर्पज गैजेट भी है, जहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके से कई कामों में। इन्फ्लेटर होने के साथ साथ ये एक डिफ्लेटर का भी काम करता है, जिससे कि आप चीजों को आसानी से पिचकाकर उसकी हवा निकाल सकते हैं। और यही नहीं, ये एक मल्टीपर्पज पावर बैंक की तरह भी काम करेगा, जिससे कि इसे आप अगर चाहें तो अपना मोबाइल फोन भी चार्ज कर पाएंगे। इसका मैग्नेटिक सरफेस इसके यूजेबिलिटी को और आसान बनाता है, जिससे कि इसमें एक छोटी सी टॉर्च दे रखी होती है, और किसी भी मैग्नेटिक सरफेस पे लगाकर आप इसे एक लैंप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैंपिंग के दौरान अगर आपने बॉनफायर किया है तो ये आपके लिए एक पोर्टेबल ब्लोअर की तरह भी काम करेगा, जिससे कि आप तेजी से हवा थ्रो करके आग को जला पाएंगे। गूल जीरो स्काईलाइट। कैंपिंग के दौरान अगर आपको अच्छी खासी रोशनी चाहिए तो ये लाइट आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दरअसल इसमें 6 छोटे छोटे लाइट ट्यूब्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप 360 डिग्री में रोशनी करने के लिए। ये एक ट्राइपॉड स्टैंड के साथ आती है, जिसे कि आप 12 फीट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लाइट वाटर रेजिस्टेंट होती है, और साथ ही इसका एक रिमोट कंट्रोल भी मिलेगा, जिससे कि आप इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आप चाहें तो इस लाइट को किसी पावर स्टेशन से चला सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इंटरनल बैटरी पावर भी दे रखी होती है, जिससे कि ये अपनी बैटरी पर लगभग 8 घंटों तक आराम से चल जाएगी। यानी कि कैंपिंग के दौरान अगर रात में आपको लाइट की जरूरत पड़ती है तो ये लाइट आपके लिए एक परफेक्ट सलूशन होता है, क्योंकि इसकी रोशनी काफी ज्यादा अच्छी है। एडेप्टिव हेडलैम्प पैंथर विजन। एक हेडलैम्प आपको नॉर्मल सिंगल डायरेक्शन में ही रोशनी देगी, लेकिन अगर आप इस हेडलैम्प को देखेंगे तो इसकी टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस रहती है, जो कि खास तौर पर कैंपिंग पर्पस बनाई गई है। इस हेडलैम्प में आपको मल्टीपल LEDs देखने को मिल जाएंगे, जिनका वैसे तो फोकस सामने की तरफ होता है, लेकिन जब आप अपने हेड का मूवमेंट कराते हैं, यानी कि जिस भी तरफ आप देखते हैं, ये उसी तरफ रोशनी को एक्सपेंड कर देती है। इसमें इनबिल्ट होता है जायरोस्कोप, जिससे कि यह परमानेंटली आपकी हेड पोजीशन को मॉनिटर करती रहती है। और कैंपिंग के दौरान आप जैसे जैसे चलते जाते हैं, जिस भी तरफ देखते जाते हैं, ये वहां वहां आपको रोशनी देती जाएगी। इस हेडलैम्प में आपको 7 लाइटिंग मोड्स भी मिलते हैं, जिन्हें कि आप जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट की वजह से आप इसे इजीली अपने मोबाइल फोन के भी चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। याकिमा एक्सोसिस्टम्स। जब भी जा रहे हो कार से टूर पर और सामान जब बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एक्सो सिस्टम को, जो कि खास तौर पर बनाया गया एक ऐसा अटैचमेंट होता है जिसमें कि आप अलग अलग तरीके से काफी सारा सामान रख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसे बनाया गया है अलग अलग तरीके के गियर्स वगैरह को रखने के लिए, जिसे कि आप अपने कैंपिंग के दौरान इस्तेमाल कर पाए, जैसे कि आपकी बाइसिकल वगैरह हो गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अपना डेली यूज का सामान भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग अटैचमेंट्स मिल जाते हैं, जो कि आपके ट्रॉली बैग्स वगैरह को भी इजीली लेकर कैरी कर सकते हैं। इसके बॉक्स को काफी मजबूत
मजबूत बनाया जाता है, जिसमें कि सामान आपका एकदम सेफ रहेगा। और चाहे तो इसका इस्तेमाल एक छोटी सी टेबल के तौर पर भी कर सकते हैं कैंपिंग के दौरान। तो एक तरीके का मल्टीपर्पज अटैचमेंट हो जाता है, जो कि कार के बैक सेक्शन पर लगा दिया जाता है, जो कि कार के अंदर के स्पेस को फिल होने से बचाता है और आप आराम से अपना सफर कर सकेंगे। लाइफ स्ट्रॉ बाय विस्टरगार्ड। कैंपिंग के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पीने के पानी की, क्योंकि अगर आपके पास साफ पानी नहीं होता है तो ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसे स्टोरेज की जिसमें कि आप पानी स्टोर करके अपने पास रख सकें। और ऐसे में ये गैजेट्स आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। ये एक तरीके की किट होती है जो कि खासतौर पर पानी को फिल्टर करने के लिए और उसे कैरी करने के लिए बनाई गई है। इसमें आपको छोटे छोटे अलग अटैचमेंट दे रखे होते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये छोटी सी स्ट्रॉ। इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी पानी को फिल्टर कर सकते हैं और पीने लायक बना सकते हैं। साथ ही आपको एक छोटी सी फ्लेक्सिबल बॉटल भी मिल जाती है, जिससे कि आप पानी आराम से पी पाएंगे कहीं पर भी। और इसमें 8 लीटर का एक छोटा सा स्टोरेज टैंक भी मिल जाता है, जिसमें कि पानी आप इजीली स्टोर कर पाएंगे। इसके सारे अटैचमेंट्स और स्टोरेज टैंक को मिलाकर इसकी टोटल कैपेसिटी 16 लीटर की होती है, यानी कि एक बार में आप 16 लीटर पानी अपने साथ कैंपिंग के दौरान लेकर कैरी कर सकेंगे। तो सफर के दौरान अगर आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो ये गैजेट्स हमेशा ही आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। टाइनी पंप एक्स। अब मैं आपको एक ऐसा एयर पंप दिखाने वाला हूँ जिसके यूजेस अपने आप में बहुत ही यूनिक रहेंगे, और ये एक 3-in-1 टाइनी एयर पंप होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप एक इन्फ्लेटर के तौर पर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एयर बैटिंग वगैरह को अगर आपको फुलाना है तो उसमें ये आपके काफ़ी काम आएगा। और साथ ही एयर कंप्रेसर का भी फीचर मिल जाता है, यानी कि अगर बैटिंग्स वगैरह फूल गई हैं उन्हें आपको दोबारा तहा कर रखना है तो आप उसकी एयर को बाहर निकाल सकते हैं, उसे कंप्रेस कर सकते हैं और इजिली अपने साथ लेकर कैरी कर पाएंगे। लेकिन यही दो फीचर तक ये सीमित नहीं रह जाता, बल्कि इसमें आपको एक छोटा सा लैम्प फीचर भी मिल जाता है, जिसे कि आप कैंपिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेंट के अंदर। यानी कि ये छोटा सा गैजेट आपको मल्टीपर्पज 3 फीचर्स अवेलेबल कराता है, जिसकी वजह से ये बेहद खास हो जाता है। जैकरी 300+ जनरेटर। जब भी आप कैंप लगाते हैं तो आपको जरूरत होती है एक ऐसे पावर सोर्स की, जिससे कि शाम के समय आप अपने कैंप पर लाइटिंग प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि आपको काफ़ी सारी लाइटिंग्स वगैरह भी डेकोरेट करनी पड़ती हैं। और आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स वगैरह भी हैं जिन्हें कि आपको प्रॉपर चार्ज रखना पड़ता है, तो वहाँ पर इस तरीके का पावर स्टेशन आपकी बेहद काम आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी मिलता है, जिससे कि आप अपने कैंप को पावर दे सकते हैं। इसमें आपको AC 3-pin आउटलेट्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने ड्रोन वगैरह और कैमरा को भी चार्ज कर सकेंगे। और साथ ही फास्ट चार्जिंग के लिए भी इसमें आपको USB और Type-C पोर्ट्स दे रखे होते हैं, जिससे कि मोबाइल फोन वगैरह को चार्ज करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे थोड़ा सा कस्टमाइजेबल बनाने के लिए इसमें सामने की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होगी, जिसमें कि बैटरी परसेंटेज के साथ साथ पावर आउटपुट रेटिंग्स भी दिखाई पड़ती हैं, जिससे कि आप अपने गैजेट्स को सेफली चार्ज कर पाएंगे। और बात आती है जब इस पावर स्टेशन को चार्ज करने की, तो इसे आप अलग अलग तरीकों से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे मजेदार फीचर इसमें सोलर चार्जिंग का मिल जाता है, जिसमें कि आप एक नोटबुक जैसे दिखने वाले सोलर पैनल्स को जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको काफी सारे सोलर पैनल्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप इजीली इस बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। मैजिक फोर्ट आउटडोर कैंप। अब मैं आपको टेंट का एक बेहद यूनिक सेटअप दिखाने वाला हूं, जो कि इतना वाइड होगा जिसके अंदर आपकी गाड़ी भी पार्क हो जाएगी। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ही टेंट होता है जिसे कि आप काफी वाइड एरिया में सेटअप कर सकते हैं, और इसका जो बेस होता है वो आपकी कार के ऊपरी हिस्से में होता है, यानी कि टेंट का एक हिस्सा आपकी कार के रूफटॉप पर होगा और दूसरा जमीन पर, जिससे कि ये टेंट गाड़ी को भी पूरी तरीके से कवर कर लेता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग कर रहे हैं तो ये टेंट आपको काफी कंफर्ट अवेलेबल कराएगा, क्योंकि इसके अंदर जगह भी बहुत सारी होती है, जिसके अंदर आप प्रॉपर रह सकते हैं, खाना बना सकते हैं या फिर काफी सारी एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। पोमोली लंबरजैक वुड स्टोव। कैंपिंग के दौरान खाना बनाने के लिए आपको एक स्टोव की जरूरत पड़ती है, और ये स्टोव आपको बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि इसकी डिजाइन और इसका स्ट्रक्चर काफी खास होता है। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा वुड स्टोव होता है जिसके नीचे के सेक्शन में आपको लकड़ियां जलानी होती हैं और ऊपर के हिस्से में आपको एकदम ऐसा फील आएगा जैसे कि आप एक ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसमें प्रॉपर खाना बनाने के लिए एक स्पेस दे रखा होता है, और साथ ही एक छोटी सी चिमनी की भी व्यवस्था होती है, जिससे कि धुआं वगैरह आसानी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जिससे कि अगर आप इसका इस्तेमाल कैंपिंग साइट पर भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि इस स्टोव में आपको अलग अलग वर्जन देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, और ये स्टोव वाकई कैंपिंग साइट पर खाना बनाने के काम को बहुत आसान बना देता है। बियर वॉच वाइल्ड लाइफ डेटर रेंट टेंट सिस्टम।
कैंपिंग के दौरान जंगली जानवरों को खतरा तो हमेशा बना रहता है और इससे सेफ्टी के लिए खास तौर पर इस गैजेट को बनाया गया है जिसे कि आप अपने टेंट के बाहर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये एक तरीके का इलेक्ट्रिसिटी शॉक वायर होता है जो कि आपके टेंट के चारों ओर आपको लगाना होगा, जो कि साथ में अटैच होता है एक बैटरी पैक से, और कोई भी जंगली जानवर इसके आसपास आएगा तो फौरन उसे एक हल्का सा झटका लगेगा और वो आपके टेंट से दूर चला जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा मैकेनिज्म रहता है जिसे कि समझना बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों इसे खास तौर पर बियर्स यानी कि भालू या फिर शेर इसी तरीके के खूंखार जानवरों के लिए बनाया गया है जिनसे कि सेफ्टी की आपको बहुत जरूरत होती है कैंपिंग के दौरान। अगर आप चाहें तो इन वायर से आप फेंसिंग भी कर सकते हैं अपने टेंट के चारों ओर, जो कि एक और भी नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी आपको अवेलेबल कराता है। तो नेक्स्ट टाइम कैंपिंग पर इसे अपने साथ जरूर से रख के ले जाइएगा। गीगा पंप। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक ऐसा छोटा सा इन्फ्लेटर जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग कामों में कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरीके का एयर बेडिंग इन्फ्लेटर होता है जिससे कि आप आसानी से अपनी एयर बेडिंग्स या फिर चेयर्स को फुला सकते हैं और साथ ही उनमें वैक्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल एक छोटे से वैक्यूम एयर पंप की तरह भी किया जा सकता है। साइज में छोटा होने की वजह से इसे आप अपने पॉकेट में भी इजिली लेकर कैरी कर पाएंगे। लेकिन इसका सबसे मजेदार फीचर होता है वो ये है कि इसमें एक छोटी सी बैटरी इनबिल्ट होती है जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। एडिशनली इसमें एक छोटी सी टॉर्च का फीचर भी मिल जाता है जो कि इसे काफी ज्यादा खास बनाता है। तो इस तरीके के पंप के लिए एक लाइक तो बनता है। हिम प्लैनेट द केव एक्सेल। दोस्तों टेंट तो आपने बहुत सारे देखे इस वीडियो में, लेकिन ये टेंट आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके पीछे रीजन ये होता है कि ये एक तरीके का इन्फ्लेटेबल टेंट होता है जो कि हो सकता है आपने इससे पहले कभी ना देखा हो। नॉर्मल टेंट को जब भी लगाना होता है तो आपको काफी सारे पोल्स वगैरह सेटअप करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें सारे के सारे एयर पोल्स होते हैं जिन्हें की बस इन्फ्लेट करना होता है और आपका काम हो गया। इसके साथ आपको एक छोटा सा इन्फ्लेटर पंप मिल जाता है जिससे कि केवल 30 सेकंड में आप इसे पूरी तरीके से फुला सकते हैं, और एक बार जब इसके पिलर्स फूल जाते हैं तो ये टेंट एक्सपेंड हो जाता है और अंदर आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा जिसमें कि आप कैंपिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान रहता है इस टेंट को इस्तेमाल करना, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो इस नंबर वन गैजेट के लिए एक लाइक मिलना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी गैजेट वाकई अपने आप में कमाल का है। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर से बताएगा, और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।